ये रिश्ता क्या कहलाता है। हे नैना, ब्रो थैंक गॉड यू हियर। क्या हुआ था कल, कहाँ भाग गई थी अचानक? आई केम आफ्टर यू। वो ना डिसअपीयर हो गई थी। इतनी इंसल्ट के बाद कोई किसी को कैसे फेस दिखा सकता है? बराबर बोला ना भाई। तुम तो रहने दो कुणाल, जस्ट स्टे अवे। और तुम्हें आज क्लास वास अटेंड नहीं करनी क्या? ना कोई बुक, ना नोटबुक। रुको, ये लो, टेक माइन। मेरे पास हमेशा एक एक्स्ट्रा नोटबुक रहती है। थैंक यू। कोई बात नहीं। वैसे मैंने अभी टाइम टेबल चेक किया था, मिस्टर हैंडसम की क्लास है ये। वो आज नहीं आने वाले। रियली? क्यों? और तुझे कैसे पता? नॉट फेयर। मुझे लगा था मैं फर्स्ट बेंच पे बैठूंगी ताकि मैं और वो एक दूसरे को देख सके। ए, नॉट जस्ट यू तन्वी, हम भी बैठेंगे फ्रंट बेंच पे। मॉर्निंग क्लास, सिट डाउन गाइस। आप लोगों को लगा होगा कि कल के बाद शायद मैं वापस ना आऊं। एनीवेज, आई ओ ऑल यू गाइस एन अपॉलजी, आई एम सॉरी। कल मुझे क्लास को आधे में नहीं छोड़कर जाना चाहिए था। और अगर किसी को क्लास अटेंड करने में इंटरेस्ट नहीं है तो वो बाहर जा सकते हैं, पर इसके बाद आई डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस इन माय क्लास। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, मेरी क्लास में अटेंडेंस बाद में होगी और काम पहले। तो लेट्स गेट बैक टू बिजनेस। मैनेजमेंट के बेसिक प्रिंसिपल से शुरू करते हैं। मैनेजमेंट का रूल नंबर वन, टेक्स्ट बुक इज नॉट एवरीथिंग। सब कुछ टेक्स्ट बुक में नहीं होता, थियोरी और प्रैक्टिकल में बहुत फर्क होता है रियल लाइफ। जैसे कि लिटरेचर में लव को लेके बहुत सारे फैंसी आइडियाज दिए हुए कि लव ये है, लव वो है, लव इज फॉरएवर, पर असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। मोरे सैया रहना ना बीते बने। मैनेजमेंट का रूल नंबर टू, किसी भी कंपनी में या फॉर दैट मैटर लाइफ में आप सही हो या गलत, ये हम बाद में देखेंगे, पर सबसे पहले ये देखेंगे कि आप सच्चे हो या नहीं, आप ट्रांसपेरेंट हो या नहीं, जो भी बात आपके मन में है वो आप ओपनली कह सको या नहीं। किसी भी बात को छुपाकर, उसे ढाक के सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती है, सिर्फ गलत फहमियां होती है और प्रॉब्लम्स बढ़ती है और कुछ नहीं। क्या लगता है आदमी, मैं तो इसकी स्माइल पे भी फ्लैट हूँ और इसके गुस्से पे भी।
What is this Naira going up? What is this Naira going up? What is this Naira going up? सर वो नैना है, नैना सिंघानिया, लेकिन सर उसकी कोई गलती नहीं है, ट्रस्ट मी। कंटिन्यू यार डूड, ये वही ना बात, कल जो एपिसोड अधूरा रह गया था वो आज पूरा होकर रहेगा, कोई रूल। साथ देखना चाहा था हमने, पता नहीं था उनसे तुम्हें इतनी तकलीफ होगी कि देखते ही दूर भागना चाहोगे। मैंने कभी किसी से भागना नहीं चाहा कार्तिक, तब भी नहीं जब किसी ने खुद से दूर कर दिया, और तब भी नहीं जब कोई खुद से दूर चला गया था। तुम दूर गई नायरा, अलग तुम हुई, इस नाम को भी तुमने तोड़ा है, जैसे जैसे मेरे दिल को। मैंने कुछ नहीं तोड़ा, ना ही किसी का नाम, ना ही किसी का विश्वास, और ना ही किसी का दिल। I think हमें एक और मिनट वेस्ट नहीं करना चाहिए, and we should continue with the class. Please remember guys, मुझे अपनी क्लास में डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं। ये रिश्ता क्या कहलाता है।